अध्यक्ष महोदय, जो महिलाओं का सम्मान नहीं रखते उनको कोई अधिकार नहीं बोलने का, और आज मुझे आप बोलने दीजिए क्योंकि मैं भी कोई अध्यक्ष महोदय, सर कल पूरा सदन साथ में आया था कि जब हैदराबाद में एक घटना घटी थी हम सब बाहर थे, मेरे का पॉइंट ऑफ और उस महिला पे जब अत्याचार हुआ, अलाउ नहीं किया किसी को, दादा बोलने दो महिलाओं को, बोल रहे हैं सबलता देखिए महिलाओं की, दुर्बलता मत देखिए। अध्यक्ष महोदय, जब हम सब यहाँ पे कल सदन में खड़े थे और सदन में हमने सबने हैदराबाद में जो अत्याचार महिला पे हुआ था, तब सारी पार्टियां सारे सांसद साथ में मिलके खड़े थे, लेकिन कुछ ही समय बाद जिनके नाम में धीर है, ऐसे अधीर रंजन जी के अपने धीर का बांध फूट गया और एक हमारी पहली बनी हुई देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी को जिस प्रकार से उन्होंने टिप्पणी की, इसका मैं खेद करती हूँ और मैं कहती हूँ ये सबसे बुरा हुआ है। ये ऐसी सरकार है अध्यक्ष महोदय, जहाँ पे महिलाओं को सबसे ज्यादा मंत्री पद करने का मौका मिला है। टीसीएस में दो दो महिलाएं प्रधानमंत्री के साथ है। आज दुख की बात यह है कि ये ऐसी पार्टी है, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इसी रूल के अंडर 352 और 353 पे, दीज आर डेरोगेटरी वर्ड डिफेमिंग टू अ वुमनहुड, आप पेट्रिया की माइंडसेट दिखाना चाहते हो और इसका हम सब निषेध करते हैं। मैं इतना ही से कहना चाहती हूँ, निर्बलता दिखाने के लिए एक पुरुष एक महिला से लड़ रहा था, लेकिन जिनके नाम में निर्मला है उन्होंने निर्मलता से दिखाया कि देश के लिए हम क्या काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के लिए क्या काम कर रहे हैं। जो निर्बल कह रहा है, दादा को मैं ये कहना चाहती हूँ, निर्बलता का उदाहरण कांग्रेस पार्टी कैसी है, निर्बल तो आप है दादा, कि सिर्फ एक ही परिवार की महिला के लिए आप खड़े हैं और उसी महिला के सम्मान और इनकी सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन देश की महिला की सुरक्षा के लिए लड़ नहीं रहे हैं। निर्बल आप है दादा, कि ऐसी पार्टी जो देश के लिए काम नहीं करी है, सिर्फ परिवारवाद के लिए काम करी है, ऐसी पार्टी को आप निर्बलता से खड़े हैं और परिवारवाद छोड़ के देश के हित के लिए काम नहीं कर रहे हैं, ऐसे निर्बल आप हो। निर्बल आप है दादा, कि देश के प्रधानमंत्री जो देशभक्त है उनको आप घुसपैठी कह रहे हैं, ऐसे निर्बल आप है और देश का आपने सम्मान नहीं अपमान किया है। बोलने के लिए कहा ना अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यही विनती करना चाहती हूँ कि एक पुरुष की निर्बलता इसलिए दिखती है जो महिलाओं को।